आपने बात ज्ञान की सुनी और क्या? देखिए, पूरी घटना की जानकारी मैंने ले ली और जो इंदर के साथ बेरहमी से मारपीट की गई और मारपीट खाली इसलिए की कि अध्यापक और वो जो संचालक थे स्कूल के, उनका निवास भी स्कूल के अंदर ही है और बाहर से आके स्कूल चलाते गांव के अंदर, उनकी मटकी से उसने पानी पी लिया था और इससे मास्टर जी को इतना गुस्सा आया कि बच्चे को बेरहमी से पीटा और उसको लेके बाद में जब बच्चा यहाँ से हॉस्पिटल ले गए इलाज के लिए गुजरात अहमदाबाद में बच्चे को लेके गए, तब पंच पंचायतें भी इस मामले के अंदर हुई। उस समय डेढ़ महीने के अंदर पुलिस ने किसी तरह की कोई इनका जो इंटेलिजेंसी का पूरा फेल्योर था और अब इस बात को छुपाया जा रहा है कि मटकी की घटना नहीं हुई। पीने के पानी को लेके जो स्कूल संचालक थे इंद्र के साथ गंभीर मारपीट करी और उससे बच्चे की मृत्यु हो गई। ये घटना दुखदाई है। पूरा देश आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री घर घर तिरंगा लहराने की बात करें, मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि आपकी पार्टी का तक बयान तक नहीं है बीजेपी का, और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं आए जरूर लेकिन वो इस बात को मोड़ दे रहे हैं और जांच अधिकारी ऐसे लोगों को बना दिया जो इनको न्याय नहीं दिलाएगा। मैं परिवार से पूछ के एक बार हम मांग करेंगे कि जांच किस व्यक्ति से कराई जाए। ये तो हटवा देंगे जांच को, जांच जो जांच करा इससे जांच नहीं हो, या तो राजस्थान सरकार की कोई एजेंसी जिसपे इनका भरोसा हो, अगर उसपे नहीं हो तो सीबीआई जांच करे। अगर राजस्थान सरकार की कोई एजेंसी जांच पे अगर इन परिवार, ये परिवार पे हम छोटे परिवार जिससे चाहेगा उसी से जांच हो जाएगी। और मैं मांग करता हूँ कि मुख्यमंत्री ये दोगली नीति क्यों अपना रहे। उदयपुर के अंदर जो कन्हैयालाल की घटना, हम सबने निंदा की, वो निंदनीय घटना थी, आतंककारी घटना थी, और कन्हैयालाल की हत्या करके जो वीडियो वायरल किया उन्होंने, चुनौती थी सिस्टम को। उसमें बीजेपी के नेता पहुंचे, सीएम खुद पहुंचे, 50 लाख रुपए दो नौकरी दे दी एक के बजाय। हम ये कह रहे हैं ये घटना भी चिंतित करने वाली कि आजादी के 75वां अमृत महोत्सव के बाद भी जालौर पाली सिरोही के अंदर ऐसे हालात है कि बच्चों को मटकी का पानी पीने से रोका जा रहा है, बच्चों को तालाब में पानी नहीं पीने देते, मंदिरों में दलितों को दर्शन नहीं करने दिया जा रहा और दलित दूल्हों को घोड़ी से उतार दिया जाता है। अगर इस तरह की घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है तो मुख्यमंत्री जी आप इस्तीफा दें। इन्हीं शेड्यूल कास्ट के लोगों ने आपको सत्ता के शिखर में बिठाया एक बार, दो बार, तीन बार, और 70 साल तक कांग्रेस पार्टी को वोट दिया राजस्थान के। कुछ तो शर्म करो, जिन्होंने आपको वोट दिया है वो न्याय मांग रहे हैं आपसे सड़क पे। और दूसरा, भीम आर्मी के बच्चे उस दिन अगर नहीं होते तो मेरे हिसाब से ये मामला बिल्कुल सुर्खियों के अंदर ही नहीं आता। उन्होंने प्रयास किया, मैं उनको धन्यवाद दूंगा, और भीम आर्मी के सारे पदाधिकारी को रोक लिया, बंधक बना लिया पुलिस ने। क्यों भाई, लोकतंत्र है, सबको आने का अधिकार है। जब कांग्रेस के नेता काफिलों के साथ आ सकते हैं, दूसरे आ सकते हैं, तो वो लोग क्यों नहीं आ सकते। हाँ, गलत दिशा में अगर कोई भी आंदोलन जाता है, कोई भी संगठन जाता है, कोई भी पार्टी जाती है, तो उस पर सरकार कानूनी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन डर और खौफ का माहौल पैदा करके इस तरह किसी आदमी को दम मतलब दर दर ठोकरे खाने के लिए मजबूर कर दो, उसको अपने परिवार इतना चिंतित कर दो कि उसको सुसाइड करना पड़े। राजस्थान के अंदर कोई एक घटना नहीं दलितों के साथ, अभी आपकी जो पाली की जितन मेघवाल की घटना थी, चाहे आपका अलवर के अंदर मामला हुआ, जितने भी घटनाएं राजस्थान के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण है दलितों के साथ साथ। राजस्थान में आपके जालौर के अंदर बाबा जी ने जब सुसाइड किया तो उसमें एमएलए का नाम आते बीजेपी ने 3 आदमी भेजे, क्लीन चिट दे दी, बोला हमारा कोई लेना देना नहीं। और बीजेपी के नेताओं के ये बयान आ रहे हैं कि ये घटना घटित हुई नहीं, मतलब क्या बात करें। एक पार्टी मदद कर रही है अपराधियों को और दूसरी पार्टी इस घटना को नया मोड़ दे रही है, कह रहे हैं भाई कान में ये बीमारी थी इसलिए उसकी मौत हो गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, सरकार को चिंता करनी चाहिए, नहीं तो कल से यह आंदोलन पूरे राजस्थान के अंदर फैलेगा। अभी मैं जालौर जा रहा हूँ, एक बार वहाँ जाके आंदोलन की अगली रणनीति क्या होगी, हम जालौर से ही अभी हम सारे विधायक प्रधान आज सारी पार्टी का हैं, अगली रणनीति हम तय करेंगे इस आंदोलन को किस तरह पूरे राजस्थान और दिल्ली तक लेके जाना पड़े। मुझे अगर आवश्यकता पड़ी तो पूरे परिवार को लेकर मैं प्रधानमंत्री के पास भी जाऊंगा, और जयपुर में बैठना पड़ा जयपुर में बैठूंगा। मैं कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने यहाँ पर नहीं आया, लेकिन जब पुखराज जी गर्ग जो पहले आए थे उन्होंने मुझे कहानी पूरी बताई, और दो दिन से जब हमने पढ़ा कि ये कह दिया मटकी का मामला ही नहीं है, और दूसरा ये कहा कि भाई ये तो मौत बीमारी से हुई है, कि क्या बात करो, किस तरह मोड़ दिया। अब ये परिवार किस पर भरोसा करे, जांच कौन करेगा। मैं इस परिवार पर ही छोड़ता हूँ, ये जिनसे कहेंगे ये परिजन इनके जो भी इनकी संघर्ष समिति बैठ के बता दे, जिनसे जांच कराना चाहे जांच करा ले, हम इसके अंदर सहयोग करेंगे। दूसरा, मैं मांग करता हूँ कि 7 बजे बाद हिंदू रीति रिवाज के अंदर अंतिम संस्कार नहीं होता, 9 बजे जबरन अंतिम संस्कार किया,
इंद्र की माता जी के चोट लगी, चाचा घायल हुआ, पिताजी के चोट लगी, दादाजी के पैर में चोट लगी। बेरहमी से जिस तरह जानवरों को पीटते इस तरह पुलिस ने पीटा, और आपने एक कांस्टेबल को लाइन हाजिर करके और इतनी सारी कर ली। क्या जंगल राज है राजस्थान के अंदर? नहीं चलने देंगे इस व्यवस्था को। जालौर जाके तय करेंगे कि हमारा अगला कदम क्या होगा। इस परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। मैं मुख्यमंत्री जी को अब भी कह रहा हूँ कि समय पे इन कलेक्टर एसपी सहित तमाम उन दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, दोषी आपका एसडीएम एडीएम जो यहाँ दोषी थे, जिनके कहने पर लाठीचार्ज हुआ, जबरन दाह संस्कार आपने अंतिम संस्कार जबरन बच्चे का कराया और 1.5 महीने तक क्या लेके आप बैठे थे, जो मुआवजे की इनकी मांग है 50 लाख, मृत के परिवार से नौकरी की बात है और इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, और यहाँ इस गांव में स्थायी चौकी इस परिवार की रक्षा के लिए लगे और पूरे इलाके का सर्वे करवाया जाए कि इस तरह के हालात और किसी गांव में तो नहीं है, कहीं और तो कोई दूसरा इंदर साजिश देने के लिए नहीं बैठा हो आप। इस बात का भी राजस्थान की सरकार अपनी इंटेलिजेंस से वो जांच कराए। मैं मांग करता हूँ इस परिवार को न्याय दे, और मीडिया को मैं कहना चाहूंगा आप लगातार इस मामले को उठा रहे, आप इस मामले में इतना ही ध्यान रखें कि पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ है। जब इस बच्चे से मैंने पूरी कहानी सुनी उसके बाद पूरा 100% मैं इस बात पे मैं खुद कह सकता हूँ कि मटकी में पीने के पानी को लेकर ही इंद्र के साथ मारपीट हुई थी और इसीलिए इंद्र को अपनी जान देनी पड़ी। ये मटकी के पीने के पानी छुआछूत का ही मामला था। अब गहलोत सरकार चूंकि मेघवाल समाज और दलितों की राजनीति करते हैं कांग्रेस, तो ये छुपाना चाहते हैं इस बात को। उनके छुपाने से बात नहीं छुपेगी। अगर यहाँ सही जाँच नहीं होती है तो हम सीबीआई जाँच की मांग भी करेंगे, और अभी हम चाहेंगे इस मामले को एक बार ये लोग तय कर लें कि एसओजी से जांच कराना चाहते हैं या किन अधिकारी जो कल आईजी ने एसआईटी बनाई, क्या एसआईटी, आईजी कहाँ से एसआईटी बना देगा? मुझे तो आईजी को तो पावर ही नहीं है एसआईटी बनाने का। एसआईटी तो राजस्थान सरकार और डीजीपी बनाते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। आईजी तो वही डिप्टी एडीएसपी सी लाके उनकी बना दी एसआईटी इतनी सीरी करने के लिए। अब मुझे आप बताओ, और आज जयपुर में बीजेपी का प्रदर्शन था और उसमें 1,000-1,200 लोग आए। दुर्भाग्य इस बात का, देखो जालौर की घटना की जिक्र भी नहीं किया और कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़ रही इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। उनका वोट बैंक किससे कर रहा है? वोट बैंक की चिंता उनको भी है, इनको भी है। मैं इंद्र मेघवाल के परिवार को न्याय दिलाना है, और आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है, मैं जिस आंदोलन में कूदा हूं, जिसका हाथ पकड़ा है, गरीब का हाथ अगर पकड़े उसको गणेश मान के सेवा करी। इस परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हनुमान बेनीवाल इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा, इनको चैन से नहीं बैठने देगा। एक एक जो चोट इनके लगी है, जो बेटा इन्होंने खोया, मैं ये भी नहीं कहता कोई निर्दोष इस मामले के अंदर फंसे। मैंने पहले से कहा कि 302 के मामले में निर्दोष व्यक्ति नहीं फंसना चाहिए, लेकिन घटना किसकी वजह से कारित हुई, स्कूल की मान्यता रद्द हो, आज भी स्कूल चल रहा है, बहुत बड़ी विडंबना, सारी जो इनकी परिवार की मांगे और राजस्थान सरकार को माननी चाहिए। अभी मैं जालौर जा रहा हूँ, जो हमारी आगे की रणनीति है वो जालौर जिला मुख्यालय में जाने के बाद हम तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। सर, जिस तरह यहाँ पर जो सरकार है वो चिरंजीवी योजना के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जिला मुख्यालय पर एक भी ईएनटी का विशेषज्ञ नहीं होने के चक्कर में इनको गुजरात जाना पड़ा, क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ सरकार तो फेल है पूरी। 70 साल में लोगों ने कांग्रेस भाजपा को वोट डाले, तीसरा विकल्प था ही नहीं राजस्थान के अंदर। एक बार बसपा पार्टी आई, 2-3 बार लोगों ने वोट भी दिए, लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी खरीद फरोख कर लेती, विधायक ले लेती। पहली बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिनमें 3 विधायक हम बने, 2 शिडुल कास्ट के विधायक बने मेरे 3 में साथ, और आज सड़क से लेकर विधानसभा और लोकसभा के अंदर अगर आम आदमी, गरीब आदमी, किसान की, दलित की, तमाम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, आज गहलोत सरकार के जो मंत्री चाहे महेश जोशी हो, महेंद्र नावा, इनके खिलाफ भी अगर हत्या के अंदर की जो घटनाएं हो रही है, परिवार के अंदर जो धर्म बदल के जो रेप की घटना, इनके खिलाफ भी अगर कोई सांसद बोलता है तो लोकसभा में नागौर का एक ही सांसद बोलता है, 24 चुप है। चाहे गाय का मामला हो हनुमान बेनीवाल, चाहे नौजवानों को आपके सेना भर्ती के अंदर अग्निपथ वापिस लें हनुमान बेनीवाल, किसानों के लिए सत्ता छोड़ी, और अभी सीआरपीएफ का जवान जब जोधपुर के अंदर सुसाइड करता है तो अपना लास्ट ऑडियो और वीडियो वायरल करता है कि मुझे न्याय हनुमान दिलाएगा। ये जो भरोसा इस परिवार को मेरे ऊपर है, मैं इतना ही ईश्वर से मैं इतना ही वो करना चाहूंगा कि मुझे ताकत दे, इस परिवार को मैं न्याय दिलाऊंगा। और मैं ये भी चाहूंगा कि सामाजिक समरसता किसी भी कीमत पर नहीं बिगड़े राजस्थान की। हम सब एक हैं, हमारी संस्कृति एक है। आजादी जब देश को मिली थी, हम सब ने मिलकर इस देश को आजाद कराया था। भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा तब आम आदमी को वोट का अधिकार दिलाया था, ये वोट सब लोग डाल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सामाजिक समरसता बनी रहे, सामाजिक सौहार्द हमारा नहीं टूटे,
लेकिन सामाजिक स्वार्थ की आड़ के अंदर अगर कोई गुंडागर्दी करना चाहेगा राजस्थान के अंदर, वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये मेरी राजस्थान की सरकार को चुनौती है। कांग्रेस आज आप सरकार या परिवार से मिले हैं, परिवार ने किसी जांच एजेंसी से जांच करवाने की आपके सामने मांग रखी है? परिवार ऐसा है कि परिवार के ये पहला ही काम पड़ा, बेटा चला गया उनका, अभी जांच कौन करा है? इनको तो अवगत तक नहीं कराया, इनकी पीड़ा मैंने सुनी। और जब बच्चे से इन सब से बात की तो मैं तो बिल्कुल पछित गया हृदय कि इस तरह एक पीने के पानी को लेकर आजाद भारत के अंदर, जिस भारत को अपन कह रहे विश्व गुरु हो गया, विकसित भारत होगा, अगर अपनी सोच ही अपन नहीं बदल सकते तो मुझे नहीं लगता कि अपनी इंडिया को आगे लेके जाएंगे। तो जांच एजेंसी की बात, परिवार या तो एसओजी जांच करेगी और उससे संतुष्ट तो सीबीआई के लिए हम बात करेंगे, तो सीबीआई जांच की बात करेंगे। ये सही बात है कि निष्पक्ष जांच की, परिवार भी कह रहा है, परिवार भी यही कह रहा है कि गलत आदमी नहीं फंसे लेकिन दोषी बच्चे नहीं, ये परिवार भी कह रहा है। सीएम कह रहे हैं कि सीएम कई मंत्रियों को लगा दिया, वो तो आप किसान आए थे ना सारे भाई, नहीं सुनो वो तो आके बता दिया ना कांग्रेस पार्टी ने, भाई कांग्रेस की भी मजबूरियां हैं, कहीं कहीं कई कांग्रेस के यहाँ नेता थे जो उस दिन अंतिम संस्कार कराने में शामिल थे रात को 9 बजे, आपने देखा उन सब लोगों को, तो अब कांग्रेस अपनी बात से कैसे पलटे। और जालौर के अंदर तो यहाँ के मंत्री से ज्यादा तो एक ओएसडी की चलती है यहाँ पे, जो मुख्यमंत्री सारे काम कर रहा था। जालौर को मेरे से छिपा थोड़ी है, यहाँ तो भ्रष्टेश भी था, उसको आपको ध्यान है मैंने किस तरह महत्वपूर्ण करके उस समय हटाया था जो कोरोना वसूली कर रहा था, ये तो जालौर है, दूसरा थोड़ी है। यहाँ के जो हालात, यहाँ की सड़कें टूटी हुई, टोल ले रहे हैं, जंगल राज है राजस्थान के अंदर, जालौर और सिरोही में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो मैं आप सबसे नौजवानों से भी अपील करूंगा इस सोशल मीडिया और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि नौजवान लोगों की सोच बदले। जब तक देश की 30% शेड्यूल कास्ट हमारे साथ जुड़ेगी नहीं तब तक भारत आगे नहीं बढ़ता। इनको सही दिशा के अंदर अपने को लेके चलना, सामाजिक समरसता। बीजेपी स्थित चुप है, बीजेपी का वोट बैंक खिसक रहा है, वोट बैंक जा रहा है, बीजेपी को वोट से मतलब है। 3.5-4 साल में भारतीय जनता पार्टी एक आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई राजस्थान का, और 150 सीट के अंदर कार्यालय में बैठ के कि हमारी 150 आ जाएगी, ये मुख्यमंत्री हो गया या गृह मंत्री हो गया, पीएचडी हो गया, सारे मंत्रालय बैठे बैठे बांट ली भारतीय जनता पार्टी ने। आज जयपुर में प्रदर्शन इसलिए किया, मैं यहाँ आ रहा था तो हम क्या करेंगे, तो क्या कानून व्यवस्था को लेकर, और 1000 की भीड़ थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के हालात है, उनकी कथनी और करनी के अंदर अंतर है। और कांग्रेस बीजेपी राजस्थान में मिले हुए हैं, जब गहलोत की सरकार गिर रही थी वसुंधरा ने मदद करी, और अभी अभी जो हालात है वहाँ आपसे कोई छुपे नहीं। मैं जो आरोप लगा रहा हूँ कांग्रेस भाजपा मिले हुए, मेरा आरोप सत्य साबित होते जा रहे हैं, लगातार आपने इस प्रकरण के अंदर देखा सर। लोकल विधायक है जोगेश्वर गर्ग, भाजपा से बताओ उन्होंने किस तरह का बयान दिया, इसका मतलब बीजेपी संगठन को पूछ के तो बयान दिया होगा ना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूछे बिना बयान नहीं दे सकता। और अगर उसका व्यक्तिगत बयान होता तो बीजेपी के नेताओं को ये कहना चाहिए कि जोगेश्वर गर्ग की व्यक्तिगत राय है, हम इसकी निंदा करते हैं, बीजेपी को एक प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहिए। छोटी छोटी बातों में 3 विधायक भेज देते हैं, रोज अपनी फोटो छपाते हैं, बीजेपी के 3-4 नेताओं की फोटो उठते हैं, रोज छपनी उनकी फोटो, बयान जारी किया, आंदोलन की चेतावनी, आंदोलन नहीं कर सकते, ताकत लगाते 1500-2000 की भीड़ इनके पास होती, लोग भी समझ गए इनको कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के विश्वास से खरी नहीं उतर सकती। और कांग्रेस से लोग ऊब गए राजस्थान के अंदर, मैं कोई यहाँ राजनीतिक माइलेज नहीं लेने आया, ये कोई मंच भी नहीं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के मिलाजुली के खेल को हम खत्म करेंगे। इंदर के परिवार को न्याय राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल और इनके जितने भी दलितों के संगठन मिलकर लड़ रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद दूंगा और मैं इनको भरोसा दिलाता हूँ इस लड़ाई में हम सब मिलकर इस लड़ाई को दिल्ली तक लेके जाएंगे, इस परिवार को न्याय दिलाएंगे। ये प्रकरण जैसे हुआ तो उसके बाद सरकार के मंत्री भी आए, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के वो भी आए, उनके सामने इन परिवार ने मांगे रखी कि हमारी ये मुख्य मांग है, आज आपके सामने कोई विशेष मांग रखी या जो इन्होंने सरकार के सामने मांग रखी उस पर कोई इम्प्लीमेंट हुआ है, कुछ असंतुष्ट है या ये, इनका ये कहना कि सिर्फ 5 लाख रुपए का एक चेक आया इनके पास, सरकार कह रहे 34 लाख दे दिए, इनके पास तो अभी आई नहीं 34 लाख, 5 लाख रुपए का एक चेक आया है जो चेक भी बाउंस हो सकता है सरकार को, तो सरकार झूठी है, दोगली सरकार तो कुछ नहीं कर सकती है। मैं कह रहा हूँ जब उदयपुर के अंदर आप हाथों हाथ जाके देखे आ रहा हूँ और सरकार से देखे आ रहा हूँ, ये तो संगठन ने 20 लाख रुपए इकट्ठे करने की बात करें, संगठन 20 लाख रुपए इकट्ठे करके देगा, ये सरकार नहीं दे रही पैसा, 20 लाख संगठन दे रहा है और 8 लाख रुपए कह रहे हैं SC ST एट्रोसिटी के अंदर होता है वो आ जाएगा, कब आ जाएगा उसका पता नहीं, सुनो चालान होगा उसके बाद आएगा, क्या लिखते हैं ये लोग जांच इनके हाथ में, तो अभी तो इनको कुछ भी नहीं दिया, 50 लाख रुपए इनको कैश मिले, एक नौकरी, और जितने भी पुलिस अधिकारी आज तक पुलिस अधिकारी कार्रवाई नहीं, आज मैं आ गया तो कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री खुद यहाँ पे आए, ये सारी प्रमुख मांगे परिवार की, जांच एसओजी सीबीआई में एक ही, जो लोग कहेंगे आज इन्होंने जो पीड़ा मुझे बताई है, मुझे दुख हुआ कि जांच अधिकारियों ने परिवार को ये भी नहीं बताया कि अभी जांच किस स्टेज में पहुंचे, आप बताइए
ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है भाई, इतनी बड़ी घटना घटित हो गई, इतने बड़ा समाज है इनका, मेघवाल समाज की बहुत बड़ी तादाद है इस राजस्थान के अंदर, और जब इस समाज की नहीं सुनी जा रही है तो ऐसे छोटे छोटे समाज में राजस्थान में जिनकी पीड़ा को कौन सुनता होगा मुझे बताओ। इसलिए जिनके जिन जातियों के जनप्रतिनिधि मजबूत होते हैं, जिन जातियों का दिल्ली और जयपुर में दबदबा होता है, वही जातियां शासन चलाती है। इतने केंद्र में सहयोगी सर, केंद्र में सहयोगी और सहयोग छोड़ दिया ना मैंने, नहीं नहीं, केंद्र में सहयोगी और केंद्र में राज्य मंत्री आज रामदास अठावले आए, उनके दौरे के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत पार्टी के रूप में 3 लाख देने की घोषणा भी की। चलो ठीक है, मैं तो आपको बता दिया ना, यहाँ भारतीय जनता पार्टी वो भी इसलिए आए होंगे कि मैं आ रहा हूँ आज, लेकिन वो भी नहीं आते, सुनो मेरी बात। ठीक है।